नर्वसनेस तो है, फेस पे दिख रही होगी कि बड़ी मेहनत लगती है मैं थिएटर तक। तो मतलब कोई वीक ऐसा नहीं है जिसमें 7-8-10 फिल्में ना हों, तो उसमें अकोमोडेट करना, उसमें अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। थैंकफुली वी आर रिलीजिंग फिल्म टुमारो, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा है, एक लव स्टोरी है, लाइट हार्टेड फिल्म है, मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को पसंद आएगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म जो है वो चलेगी। देखिए बिल्कुल थैंक्स टू मीडिया, जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं समझदार, सारे लोगों ने फिल्म के बारे में जो लिखा है अभी तक, जो रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि ये फिल्म दो समुदाय को दो कम्युनिटी को मिलाती है और एक बहुत ही पीसफुल मैसेज देती है, जो मुझे लगता है इस वक्त शायद हमारे देश को, हमारी कंट्री को ज़रूरत है ऐसी पॉजिटिव और पीसफुल फिल्म की। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का जिन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, और मुझे लगता है बाकी के भी लोग कल इसको सराहेंगे। सर होती तो है नर्वसनेस, मतलब अब आप कोई भी काम बड़ी मेहनत से करते हैं और जब उसका इम्तिहान देने का वक्त आता है, जब आपको लगता है कि रिज़ल्ट कोई और डिसाइड करेगा, यानी ऑडियंस डिसाइड करेगी यहाँ फिल्म का रिज़ल्ट, तो नर्वसनेस तो होती है। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं, लोग उसको वो लोग आ रहे हैं, विजय राज हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं, मैंने इनवाइट तो सबको किया है, लेकिन इत्तेफाक से थर्सडे का ये प्रीव्यू टाइमिंग जो है प्रीमियर का, इसमें कई सारे प्रीमियर हैं, तीन फिल्मों के प्रीमियर हैं, तो शायद इधर उधर लोग डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि सारे लोग आएंगे। थैंक यू सो मच। नर्वस तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है फिल्म बहुत अच्छी बनी, एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं अब लोगों को कितनी पसंद आती है। अरशद भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत शिद्दत से, मेहनत से, बहुत लगन से फिल्म को लिखा और इस फिल्म को बनाया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है अरशद भाई ने, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोग बहुत एंजॉय करेंगे, और मेरी अनेक हार्दिक शुभकामनाएँ हैं अरशद भाई को, इस फिल्म को, और खुशी की बात यह है कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो इस फिल्म को देखेगा बहुत पसंद करेगा, क्योंकि एक बहुत ही सहजता से लिखी हुई और बहुत सहज तरीके से बनाई हुई ये फिल्म है। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें एक मौका ज़रूर दीजिएगा, आज हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी फिल्म और कल रिलीज़ हो रही है, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमें चाहिए, और हम ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला रिव्यू तो यही था कि भाई जल्दी से 17 है और 17 कल है, तो अब इंतज़ार तो ख़त्म हो गया है, बस अभी रिव्यूज़ तो ये थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पर, और सबका कह रहे थे कि हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम फिल्म को पूरा सपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े एक्टर्स की फिल्म देखने जाएंगे, उन्होंने ये बोला कि टैलेंट की फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि उन्हें ट्रेलर इतना अच्छा लगा है, फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है, आपका बस सपोर्ट चाहिए प्लीज़। बस 2 घंटे का टाइम निकाल देना, 2 से 2.5 घंटे का इस फिल्म के लिए, 24 घंटे के बीच में, तो हम थोड़ा सा सक्सेस हो जाएंगे बस आपके लिए। ऐसी बात है, बहुत ही नर्वस है, बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत टाइम के बाद बहुत मेहनत लगी है ये फिल्म को यहाँ तक पहुँचने के लिए,
तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और मीडिया वालों को स्पेशल थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और आप हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि जब इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है और जब रिव्यूज़ इतने अच्छे आते हैं तो बहुत ही इनकरेजिंग लगता है, और अभी बस ऑडियंस के रिव्यू का इंतज़ार है, और उम्मीद यही है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी। देखिए अभी जो है ना मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि यही बात है कि हमने इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई है और इतने प्यार मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है, खून पसीना एक करके फिल्म बनाई है, तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म को देखें, सपोर्ट करें, और हमें यकीन है कि आपको ज़रूर फिल्म पसंद आएगी। थैंक यू। बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन का इंतज़ार था फाइनली वो दिन आ गया है, हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत बड़ा दिन हमारे लिए, तो बहुत एक्साइटेड हैं, और आई थिंक आप सारे लोग भी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं। नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म है, और अंदर और बाहर दोनों तितलियाँ घूम रही हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। क्रिटिक्स की तरफ से व्यूज़ मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनका अप्रिसिएशन मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उनका अप्रिसिएशन मैटर भी करता है बहुत ज़्यादा, और एज अ न्यू कमर तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझको अप्रिसिएशन मिल रहा है, काम की तारीफ हो रही है, सो आई एम रियली ग्लैड। ऑडियंस को इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती से फिल्म बनाई है, और बहुत ही प्यारी फिल्म है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो जाइए कल और सब लोग मिलकर फिल्म देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। से सबसे पहले हम सपोर्ट करने आ रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे प्रिय मित्र, वन ऑफ द बेस्ट पीआरस इन द इंडस्ट्री रितेश श्रीवास्तव को, इस फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर, इस फिल्म से उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया एक एसोसिएट प्रोड्यूसर का, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। उसके बाद ट्रेलर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, टिपिकल रोम कॉम लग रहा है, अक्षा प्रदासिनी वेरी गुड फ्रेंड्स विद हर एंड आई कम टू सपोर्ट हर, सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म, दैट्स इट, थैंक यू। सो एक तो पहले ही जो टाइटल है ना, मेरे को टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत ही डिफरेंट है, इसके फॉन्ट से लेकर एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी क्लासी, और हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र है रितेश जो इसमें प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर है, तो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड बिकॉज फिल्म चले तो उनकी भी तरक्की हो, बड़ी बड़ी और फिल्में बनाए, विच विल बी गुड फॉर सिनेमाज एंड ऑल्सो सिनेमा लवर्स। तो फिल्म तो मैं देखने जा रहा हूँ, मुझे फिल्म देखनी है, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने कल से लाइन से हम फिल्में देख रहे हैं, इस वीक थोड़ा टसल है ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे, बहुत सारी फिल्में हैं, बट आई एम श्योर अच्छी फिल्म ज़्यादा निकल के बाहर आई। थैंक यू। फिल्म है, सार्थक फिल्म है जो रिलीज होने वाली है। ये क्रिटिक्स की तरफ से अगर अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लोगों में एक जागृति पैदा होती है इस फिल्म को देखने की, और जितनी ज़्यादा कोई फिल्म देखी जाएगी उस फिल्म के से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एडिटर हो, सभी डिपार्टमेंट्स को इसका बहुत फ़ायदा होता है। सो हम बहुत खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं, और मैंने ये फिल्म पहले भी देखी हुई है, और मैंने मुझे बहुत ही दिल से बहुत ये अच्छी लगी थी फिल्म, और मुझे ये विश्वास था कि लोगों को भी ये अच्छी लगेगी फिल्म, खासतौर से हमारे क्रिटिक्स को, क्योंकि ये बड़ा मैसेज लेके आई है ये फिल्म, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पब्लिक को भी बहुत पसंद आएगी। आई एम सो एक्साइटेड, आशा सिद्दीकी हमारे भाई और डायरेक्टर बहुत कॉम्पैक्ट फिल्म बनाई है, कोई भी जाके इस फिल्म को देख सकता है, बच्चे, माँ, दादी, नानी, पूरा परिवार देख सकता है, कहने का मकसद।
कोई ऐसी बात नहीं है फिल्म में, कोई ऐसा रंगापन नहीं है, एक दो धर्मों का मिलन दिखाया है और आजकल एक एकता के बारे में अगर बात किया जाए तो हिंदू मुस्लिम के बारे में, दैट इज रियली रियली कॉम्पैक्ट एंड गॉड ब्लेस एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार मिल जाए और इस फिल्म को जितने लोग आ सके इस फिल्म को देखिए और सराहिए, बाकी तो भगवान मालिक है, अल्लाह मालिक है। थैंक यू सो मच। फिर सवाल क्यों कर रहे हैं यार? देखिए मेरे लिए जो फिल्म है, जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, जो जो ये दिन है, जो सबसे ख़ास बात है वो मेरे साथ खड़े हैं। आई थिंक सबको पता ही है कि मेरा और जो सर का रिश्ता है वो बहुत पुराना है। अब फिल्म की बात करूँ तो डेफिनेटली मैंने फिल्म देख ली है, वहाँ पे मेरा एडवांटेज है थोड़ा। लेकिन मैं प्लीज़ सबसे कहूँगा कि प्लीज़ वॉच द फिल्म और उसके बाद डिसाइड करें कि फिल्म कैसी है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम फिल्म का टीज़र या ट्रेलर या पोस्टर देखकर डिसाइड करते हैं हम फिल्म देखेंगे या नहीं देखेंगे। मैंने भी ऐसा किया है, लेकिन कई बार ऐसी फिल्में आती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ये उनमें से एक फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है जो ज़्यादा हैवी नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल लव एडवेंचरस जर्नी मैं कह सकता हूँ, लीविंग अ वेरी स्वीट मैसेज। वो मैसेज क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन शुभ निकाह नाम ही काफ़ी है। आई थिंक नाम से ही बहुत लोगों को समझ में आ गया कि फिल्म क्या है। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं पिछले कुछ दिनों में, मैं सर डिस्कस कर ही रहे थे, मेरा भी मन किया कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन आई थिंक वो कहते हैं कि आई थिंक आपका काम जो है उसे जवाब देना चाहिए। इसलिए आई थिंक सर, आप पूरी टीम जो है, विशिंग एवरीबडी द इंटायर टीम ऑफ शुभनिका ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मानता हूँ कि ये मेरा परिवार है, आप लोग मेरे परिवार हैं इतने सालों से, तो जब आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप ऑडियंस भी डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। सो प्लीज़ वॉच द फिल्म एंड आई एम श्योर यू लाइक द फिल्म इन डिफरेंट वेज। जी नहीं, मैं क्रिटिक नहीं हूँ, मैं डेफिनेटली, बट एज अ फिल्म लवर, एज अ सिनेमा लवर, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने मुझे आई वॉज लकी इनफ टू वॉच द फिल्म पहले और मुझे बहुत अच्छी लगी है। बींग नॉट बींग बायस्ड बिकॉज सर की फिल्म है, बट जनरली मुझे फिल्म अच्छी लगी है। वी ऑल नो इज अ ग्रेट टेक्नीशियन, लेकिन हर इंसान को वो मौका चाहिए होता है कि वो प्रूव करे अपने आप को, चाहे वो एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी हो। सो आई थिंक ही डिजर्व्स अ मच बेटर चांस आफ्टर दिस, यू नो, दैट अपॉर्चुनिटी जो मुझे लग रहा है कि अब मिलने वाली है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। तो डेफिनेटली एंड अगेन आई थिंक जैसे मैंने कहा कि जहाँ मीडिया का सपोर्ट हो, सबका सपोर्ट हो, ऑडियंस का सपोर्ट हो, पूरी टीम का सपोर्ट हो, आई एम श्योर चीज़ अच्छी होती है। दिल से बनाई गई है यार, जो दिल से चीज़ बनती है वो हमेशा अच्छी होती है, पैसे तो होते ही हैं बट दिल से बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं चाहूँगा इसका जवाब शरद दें। नहीं नहीं, उसका देखिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ शुभनिका की बातें करेंगे बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मोमेंट। इस दिन के लिए बहुत लोगों ने कई महीनों हफ्तों से इंतज़ार किया है। बाकी जो है मेरा सर का जो रिश्ता है वो सब जानते हैं इतने सालों से और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। डेफिनेटली हमारा प्लान है एंड आई वुड लव टू वर्क विद शरद अगेन एंड अगेन। नहीं नहीं सर, क्योंकि वो बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बड़े फोकस्ड एक्टर है। नहीं, इंसान सुलझे नहीं, एक्टर सुलझे तो इनके साथ काम करने का हमेशा मज़ा आता है, हमारी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। बट प्लीज़ वॉच द फिल्म यार, आई थिंक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मुझे याद है पहली बार सर ने मुझे कहा था कि शुभ निकाह टाइटल है, तो मैंने कहा यार नाम बहुत इंटरेस्टिंग है तो फिल्म डेफिनेटली अच्छी बनेगी, और अब मैं जब मैंने फिल्म देखी तो हाँ, सोचने पे मजबूर कर देगी आपको। जो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या थॉट लेके फिल्म से बाहर निकलते हैं, वो थॉट बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर दिस फिल्म विल लीव यू विद अ गुड टेस्ट। जी, सो विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट, द एंटायर टीम। थैंक यू। थैंक यू।